लड़ रहे हैं चुनाव वैशाली से, प्रत्याशी का नाम नहीं है, उनको लालू जी तेजस्वी जी खुद आशीर्वाद दिए हैं और मैं वैशाली में होली के बाद निकलूंगा, वैशाली में लालटेन जलाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हमारे साथ राजनीतिक गलियारे की वो हस्ती हैं जिसका परिचय क्या बताना, बस नाम ही काफी है, मुन्ना शुक्ला। हालांकि इनके साथ जब तक बाहुबली शब्द नहीं जुड़ जाता अधूरा परिचय लोग मानते हैं। बाहुबली मुन्ना शुक्ला आज हमारे साथ हैं और काफी चर्चा है इनकी सीट को लेकर कि वैशाली से ये आ रहे हैं, लालटेन लेकर आ रहे हैं। आज सीधे इन्हीं से जानेंगे कि सच क्या है इसमें, इस जो चर्चा है उसमें कितनी सच्चाई है। जी, सबसे पहले स्वागत है वैशाली टुडे में और होली की हार्दिक शुभकामना, रमजान की शुभकामना। और हम लड़ रहे हैं चुनाव वैशाली से, लालू जी और तेजस्वी जी हमको आश्वासन दिए हैं कि आप जाइए तैयारी करिए और घोषणा होगा तो घोषणा भी हो जाएगा। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कोई और प्रत्याशी का नाम, कुछ लोग कहते हैं कि सीट का अभी फाइनल, कोई प्रत्याशी का नाम नहीं है, उनको लालू जी तेजस्वी जी खुद आशीर्वाद दिए हैं और मैं वैशाली में होली के बाद निकलूंगा और लोगों के बीच जाऊंगा और वैशाली में लालटेन जलाऊंगा। इससे पूर्व भी आप दो बार खुद लड़े हैं, एक बार मैडम लड़ी थी, वोट भी काफी अच्छा खासा आपका लगभग 2.5 लाख के लगभग वोट आया था इस बार। हाँ, 2,55,000-2,62,000 इस तरह से आपका आया था, एक बार 256 आया था, एक बार 262 आया था जी। इस बार फिर सामने मतलब मोदी लहर को कितना आप चैलेंज करते हैं, किस तरह से लेते हैं उस चैलेंज को? मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और आपके माध्यम से अपने तमाम आम आवाम, तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपनी माता बहनों से कहना चाहता हूं कि कोई लहर वैशाली में नहीं है, वैशाली में वैशाली का लहर है, मुन्ना का लहर है और लालटेन का लहर है। और उस लहर को आप लोग देखिएगा, 4,400 सीट से ज्यादा वोट से अभी बार वैशाली में लालटेन जलेगी, ये तय है, तय है, आ रहे हैं, एकदम तय। लोग मुन्ना का इंतजार करें, जरूर मार रहे हैं होली के, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, पूरा फाइनल लोग पूरे नॉर्थ बिहार में मोदी लहर नहीं चलेगा, एकदम तय, पूरे नॉर्थ बिहार में सभी सीटों पर लालटेन जलेगी। तो लालटेन लेके आप निकल रहे हैं? एकदम लालटेन लेके हम निकल रहे। तो क्या लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे, होली रमजान तमाम चीज है तो बताया, पहले बोले कि होली का ढेर सारी शुभकामना, रमजान की शुभकामना, हम तो पहले आपके बाद लोग तैयार हैं एकदम। चूंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सीट शेयरिंग भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम भी तो वही कहे, सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग क्लियर हो जाता है उसी के साथ हम लोग का भी ओपन हो जाएगा। इसके बावजूद इतना दावा, प्रबल दावा कि एकदम अरे हमको अब खुद लालू जी तेजस्वी आश्वासन दिए हैं कि जाओ अगली बार लालटेन जलाओ, हम लालटेन लेके चल चुके हैं। जल्दबाजी नहीं हो रही है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, खूब बढ़िया से चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ छठे चरण में चुनाव है 25 तारीख को, कोई जल्दीबाजी नहीं है और आराम से वैशाली का सीट देखिएगा, पूरे नॉर्थ बिहार को प्रभावित करेगा और वहां से लालटेन जीतेगा। मेरा सवाल है कि जैसे अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई और आप दावा कर दिए हैं कि हम आ रहे हैं, हमको आश्वासन मिला है, हमको तो आश्वासन मिला है, हमको तो लालू जी तेजस्वी जी हमको खुद आश्वासन दिए हैं तब बोल रहे हैं, मतलब हरे रंग में आप रंग चुके हैं, आपका हो गया कुर्ता भी पूरा हरा हरा हो चुका है, हो गया हो गया। तो ये है मुन्ना शुक्ला जो आप पूरी तरह से कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला का आना तय है, लोग जो इनके कार्यकर्ता हैं वो अपने मुहिम में लग जाए। हालांकि हम फिर कहेंगे कि अभी घोषणा होना बाकी है, घोषणा का इंतजार है, देखना है कि इनके दावे में कितनी सच्चाई होती है। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।